तो चावल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। तो चावल को एक पैन में डाल करके हमें रोस्ट करना है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो रखेंगे। तो लो फ्लेम पे हम बिल्कुल इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इनको भून लेंगे। तो ऐसे 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको भूनने में। चावल हमारे भून चुके हैं तो इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम उसी पैन में दूध ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध लिया है। दूध आप टोंड या फिर फुल क्रीम किसी भी तरीके का ले सकते हैं। तो दूध में हमें बॉइल लाना है, तो इसको रखा रहने देंगे हम। अब तक जो चावल थे हमारे वो ठंडे हो गए, तो इन्हें मिक्सी के जार में डाल करके बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। और दूध में भी इधर हमारा बॉयल आ गया है, तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, एकदम इसका बिल्कुल बारीक आटा बना लेना है चावल का। तो इसमें मैंने 1.5 टीस्पून घी डाल दिया है। घी डालने से जो हमारी बर्फी है वो बिल्कुल शाइनी बनेगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप इस समय दूध में मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बर्फ़ी बनाई है। ऐसे भी ये काफ़ी टेस्टी लगती है। और चावल को इसीलिए हम रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि जो चावल का टेस्ट है वो बिल्कुल बर्फ़ी में नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पर 1/2 कप चीनी डाल दी है। चीनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो चावल को हमने रोस्ट किया है उससे क्या होगा कि उसका कच्चापन दूर हो जाएगा और बर्फ़ी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये चावल से बर्फ़ी बनाई है। तो इसीलिए हम चावल को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो दूध को हम इसी तरीके से रखा रहने देंगे लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे दूध को। तो घी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब जो हमने चावल का आटा पीस कर रखा था वो डालेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमें गुठलियाँ नहीं पड़ने देनी है। तो अब मैंने डाल दिया है चावल का आटा और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये दूध में जो चावल थे बिल्कुल एब्जॉर्ब होने लगे हैं और मैंने इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं आने दी हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये बिल्कुल एक डो सा तैयार हो जाएगा इसका। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। तो बस जो हमारा चावल था बिल्कुल तैयार है। तो अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, इसमें हम घी लगा देंगे थोड़ा सा, जिससे कि हम जो बर्फ़ी बनाएंगे वो इसमें चिपकेगी नहीं प्लेट में। और इसको हमें क्या करना है कि इसका 75% जो हिस्सा है वो अलग कर लेना है और 25 हिस्सा अलग कर देना है। तो जो 75 इसका जो हिस्सा है वो हमें बिल्कुल वाइट रखना है, क्योंकि जो बर्फ़ी है वो डबल डेकर बना रहे हैं। तो अब इसको हम स्प्रेड कर देंगे, इसको हमें वाइट रखना है। मैं यहाँ पर दो फ्लेवर में बर्फ़ी बना रही हूँ। जो मैंने 25 हिस्सा बचाया है उसमें हम चॉकलेट पाउडर डालेंगे। तो चॉकलेट पाउडर की जगह आप कोई सा कलर भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मतलब जो हिस्सा बचाया था उसमें मैंने यहाँ पर कोकोआ पाउडर डाल दिया है। आपके पास अगर कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप कोई कलर भी डाल सकते हैं, फूड कलर, ग्रीन, रेड, जो आपका पसंद का हो कलर वो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें कोकोआ पाउडर। और यहाँ पर मैंने जो इसका वाइट वाला हिस्सा था उसे भी काफ़ी अच्छे से एक इक्वल पोर्शन में बिल्कुल अच्छे से फैला दिया है। तो अब जो हमारा ये जिसमें मैंने कलर मिलाया वो हिस्सा हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो ये मैंने स्प्रेड कर दिया है, तो इसको हम स्मूथ कर लेंगे। तो मैंने ये स्मूथ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, इसको हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब हम इनको हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसी मिठाई में सेट हो जाएंगे। और इसको अब हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे 1/2 घंटे के लिए, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने 1/2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था।
ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी चावल के आटे की बर्फी बनकर तैयार हुई है। कोई भी नहीं बता सकता कि ये चावल के आटे से बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फी बन करके तैयार हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।